आप देख रहे हैं आर्ट। मैं आपका दोस्त गौरव वापस आया हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने मुझे और मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया, मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या उस रात मैंने जो देखा था वो सच था या सिर्फ मेरा एक वहम। सुनने या पढ़ने वाले भले ही इसे एक मनगढ़ंत कहानी मान लें, लेकिन वो कहते हैं ना, जिस पर बीतती है वही उस दर्द को समझ सकता है। ऐसा ही कुछ मुझ पर भी बीता जिसे मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपने करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने उसके गांव गया था। हम दोनों दिल्ली की एक कंपनी में साथ में काम करते थे, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। उसके विवाह से जुड़े सभी आयोजन वहीं गांव में ही होने थे, इसलिए उसकी शादी से 3 दिन पहले ही मैं वहां जाने के लिए निकल पड़ा। जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैंने उसके गांव पहुंचने के लिए एक टैक्सी की। मेरे दोस्त साहिल का गांव जयपुर से काफ़ी दूर था। ड्राइवर ने पहले ही कहा था कि पूरे 24 घंटे में ही हम उस गांव में पहुंच पाएंगे। सफ़र लंबा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर से बातें भी शुरू हो गई। बातें करते करते उसने गांव देहात में फैले भूत प्रेतों के किस्सों का जिक्र किया। ड्राइवर का कहना था कि जिस गांव में मैं जा रहा हूँ वहाँ तो डायनों का आना बहुत आम है। उसने मुझे एक नहीं ना जाने कितने ही किस्से सुना दिए। उस गांव का एक डायन से जुड़ा हुआ रहस्य है। अब आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाले युवा कहाँ इन आत्माओं और डायनों की बात पर यकीन करते हैं। मेरे जैसे अंधविश्वासी लोगों के लिए यह सब मनोरंजन का एक जरिया हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन शायद वह आखिरी बार था जब मैंने इन सब काली शक्तियों को बस एक मजाक के रूप में लिया था, क्योंकि उसके बाद तो जैसे मैं इन पर ना सिर्फ विश्वास करने लगा बल्कि हर समय इनकी उपस्थिति का एहसास भी करने लगा। ड्राइवर का कहना था कि सुबह 8 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रात 10 बजे के आसपास हमने एक ढाबे पर खाना खाया और फिर सफ़र की थकान की वजह से आंख लग गई। अचानक हमारी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई, और वो भी ऐसी जगह जहां से कुछ भी मदद मिलना लगभग नामुमकिन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुबह होने का इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे और आसपास कोई ठीक जगह भी नहीं थी। ड्राइवर का कहना था कि 2-3 किलोमीटर पर एक ढाबा है, आप वहाँ पहुँच जाओ, मैं गाड़ी ठीक करवा कर आ जाऊँगा। मैंने उसकी बात मान ली और पैदल चलने लगा। बहुत चलना था इसलिए कानों में ईयरफोन लगा लिया और सोचा टाइम पास हो जाएगा। कुछ दूर चलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। बड़ी तेज महक सी आई और बहुत देर तक अपने साथ किसी और के होने का एहसास हुआ। पहले लगा कि जैसे यह मेरा वहम है, लेकिन धीरे धीरे वो वहम हकीकत, या यूं कहूँ भयानक हकीकत की शक्ल लेने लगा।
पहले मुझे केवल एहसास हो रहा था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे किसी की शारीरिक आकृति मुझे कुछ कदम दूर पर दिखाई देने लगी। वह एक सुंदर लड़की थी। उसने मुझसे पूछा, इतनी रात को आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? यह सुन के मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बता दी कि कैसे मेरी गाड़ी खराब हो गई और मैं पैदल चलने के लिए मजबूर हुआ। मैंने भी उससे यह सवाल किया कि वह इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। तो उसने मुझे बोला कि मैं तो अक्सर इस रास्ते पर आती जाती रहती हूँ। इससे पहले मैं उसे कुछ और पूछता, उससे पहले उसने मुझे बोला, आपके दोस्त की शादी तो कल है ना, आप कैसे पहुंच पाओगे? उसका यह सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया था कि उसे कैसे पता। मैंने पूछा, आपको मेरे दोस्त की शादी के बारे में कैसे पता? तो उसने मुझे बताया कि मुझे सब पता है। उसकी हंसी सुन मैं चुप हो गया। वैसे मेरा नाम कविता है। उसका नाम सुन मैं चुपचाप उसके साथ चलता रहा। आगे बढ़ता तो सामने एक बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। मैं उसकी तस्वीर उतारने लगा तो उस लड़की ने मुझे ऐसा ना करने को बोला। मैंने पूछा, क्यों? तो उसने बोला, रात के समय तस्वीर नहीं उतारते पेड़ की। मैंने अपना कैमरा अंदर रख लिया और उसके बाद मेरी नज़र अचानक पेड़ से थोड़ी दूर पर खड़ी तीन औरतों पर गई। तीनों औरतें धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आती गई, उनका चेहरा नज़र आने लगा जो बहुत डरावना था। वह मुझे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन कविता ने उनका इशारा देख लिया। आप इन औरतों की तरफ मत देखिए, जल्दी से हम इस रास्ते को पार करते हैं। कविता की बात सुन मैं चलने क्या भागने लगा। थोड़ी दूर आते ही वह औरत गायब हो गई और मैंने कविता से पूछा कि वह कौन थी। ये औरतें इस गांव में पिछले कई सौ सालों से घूम रही हैं। गांव के लोग उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। आपको उनसे बचाने के लिए ही मैं आपके साथ साथ आई हूँ। मैंने पूछा, तुम कैसे बचा सकती हो? तो उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। हम बहुत दूर निकल आए थे। ढाबा आने वाला है और रास्ता भी सुरक्षित है। अब मुझे चलना चाहिए। तुम आगे तक नहीं जाओगी? नहीं साहब, मेरी मंजिल तो यहीं तक है। जाते जाते एक बात और बोलना चाहूंगी, हर आत्मा बुरी नहीं होती साहब। उसकी बात का मतलब समझते मुझे बिल्कुल देर नहीं लगी और मैं समझ गया कि वह एक भली आत्मा थी जो मुझे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए साथ साथ आई थी। ये थी मेरी आज की कहानी। मैं आपका दोस्त गौरव आपसे मिलूँगा एक नई कहानी के साथ।